हम आपको ABPS न्यूज टीम के साथ जनपद अमरोहा के ब्लॉक जोया में स्थित गांव भवालपुर माफी में लेकर चलते हैं। लगभग 4000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी 12 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान तालिब हुसैन हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। वर्तमान प्रधान ने सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए गांव में शौचालयों का निर्माण कराकर पात्रों को वितरित किए हैं। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में 180 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में सीसी टाइल्स रोड का निर्माण एवं खडंजा निर्माण का कार्य कराया गया है। वहीं पेयजल व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए गांव में 30 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा 50 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं बात अगर विद्युत व्यवस्था की जाए तो गांव में 50 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर व 25 सोलर लाइट वर्तमान प्रधान द्वारा लगवाई गई हैं तथा 200 विद्युत पोल एवं 4 ट्रांसफार्मर सरकार से लगवाने की मांग है। ABPS न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 आवास के निर्माण की मांग राज्य पे केंद्र सरकार से की है। ग्राम प्रधान ग्राम भवालपुर माफी, मुझे आवासों की बहुत जरूरत है। गांव की पोजीशन आपने देख ली है, क्या पोजीशन में गांव है हमारा। सड़कों की इतनी कमी है, पैसे की दिक्कत की वजह से नाला नहीं बन पा रही है। तमाम गाँव जल निकासी की सुविधा नहीं है गाँव के अंदर। गाँव परेशान है, क्या कर रहे हैं, बार बार जाते हैं भैया, कोई सुनने के लिए तैयार होता नहीं। नेता के पास जाते, नेता को निधि लगा रही है। हमारे खाते में कोई पैसा नहीं, इतना नहीं आ रही है जिससे कि हम गांव की दुर्दशा दूर करें। गांव की पोजीशन ऐसी है, तमाम गांव कच्चा है, एक भी आवास अभी तक मुझे नहीं मिला। विधवा पेंशन कोई नहीं बनी, समाजवाद जो पेंशन खत्म करी उसके बाद में जो पेंशन बनी है तो 60 साल कोई नहीं बनी। हमारे कोई पेंशन नहीं है किस तरीके की, क्या कर रहे हैं बताओ। चक्कर लगाते हैं, लोग सुनते नहीं अधिकारी, अपना घर आ जाते हैं। हम तो इसी परेशानी में, गाँव के लोग कहते हैं, जनता मांग करती है अपनी, जनता क्या करें। बोले प्रधान जी ये करो, प्रधान जी वो करो, क्या करा प्रधान अपने घर से। सरकार देवे तो प्रधान खराब है, लेकिन सरकार नहीं दे पा रही। चारों तरफ कूड़ा कचरा है, गंदगी गांव में है, जल निकासी की सुविधा की वजह से रोड खराब है, पोजीशन ज़्यादा हटती है, ज़्यादा परेशान है इस वजह से। प्रधान ही कर रहे हैं वालों, लेकिन क्या करें। प्रधान जब भी तो अच्छा बनेगा, सरकार पैसा देवे, पैसा ना दे पा रही तो प्रधान क्या करे। इतनी समस्या है, लोग कहते हैं सब में आवास बनने हैं, हमारे यहाँ कोई आवास नहीं है। अमरोहा जिले के अंदर हम तो जाते हैं, आवास ही नहीं है, आवास ही नहीं है। अरे गांव की पोजीशन देखो, आने का आवास लायक हो तो आवास दो, ना हो तो ना दो। जब पोजीशन है तो भी आवास नहीं मिल रही, क्या करें बताओ। पेंशन मैंने भरवाई थी, 10 महीने हो गए मेरी पेंशन भरूंगा, एक भी पेंशन नहीं बनी, क्या करें। फंड के लिए ऐसा मान लो सरकार भी ठीक है, जो भी करती है अपना काम, हम अपना काम कर रहे हैं, गाँव का दायित्व निभा रहे हैं, लेकिन जैसे भी होगा। अब सरकार से यही मांग है कि सरकार हमें आवास दे, जल निकासी की कोई सुविधा ऐसी करे जिससे कि हमें कुछ वो हो। हैंड पंपों की खास जरूरत है, लोग जल स्तर इतना कम हो गया कि पानी नीचे पहुंच गया, लोग हैंड पंपों की जरूरत में फंसे हुए हैं, गरीब लोग हैं, अपना मजदूरी से बसर कर रहे हैं लोग। ऐसे प्रधान जी बहुत अच्छा काम करा रहे हैं और सरकार इतना पैसा नहीं दे रही जो विकास होगा गाँव के अंदर, क्या करा जाए इसका। मैं भवालपुर माफी का निवासी हूँ और प्रधान जी हमारे बहुत बढ़िया काम करते हैं, और जब पैसा ही नहीं आएगा तो हमारे प्रधान जी करेंगे क्या।